subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट तरीके के क्रॉप को उगाया जाता है और उनका मैनेजमेंट, मतलब उनको उगाने में किस किस तरह की प्रोसेसेस और क्या क्या स्ट्रेटजीज और क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको उगाने के बाद और उसको दूसरी बीमारियों से और ख़राब होने से और पेस्ट से, मतलब कीड़े मकूड़ों से बचाकर कैसे रखा जाता है, और कैसे फूड के फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में, और किस फॉर्म में उसको वापस उगाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वाइज, हम इसको पढ़ेंगे और उसी के साथ हम एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज फार्मर। वन डे दे सॉ अ सम टूल्स लाइक अ खुरपी, सिकल, शॉवल एंड प्लग इन द फील्ड। जो पहेली और भूजो हैं वो अपने अंकल के घर गए। कब गए? गर्मियों की छुट्टी में। और उनके जो अंकल हैं वो किसान हैं, फार्मर मतलब किसान हैं। तो उनके घर में और उनकी फील्ड में, मतलब जहां उनका खेत था, वहां उनको कुछ टूल्स दिखे, मतलब कुछ औजार दिखे। क्या क्या दिखे? खुरपी दिखी, सिकल दिखा, शॉवल और प्लग। तो पहले बात करते हैं हम खुरपी कैसी होती है। खुरपी अब देखें आप, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि खुरपी किस तरीके की दिखती है। जनरली खुरपी ऐसी फ्लेट होती है, फिर यहां नैरो होती है और फिर जाके ऐसी हो जाती है। मतलब 3D में आप देखें तो ऐसी ऐसी, जैसे कि आपके घर में डस्ट को उठाने के लिए, स्वैपिंग करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, जो डस्ट उठाने के लिए जो रिमूवर होता है उसमें, जिसमें हम होल्ड करके बिन में डालते हैं, उस टाइप की। लेकिन खुरपी की खासियत क्या होती है, उसकी स्पेशलिटी की, उसके फ्रंट एंड में थोड़ी सी ब्लेड होती है। मतलब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज को आसानी से काटने के लिए या जमीन के अंदर से उखाड़ने के लिए। तो हम अब अगला देखेंगे। अगला क्या है? सिकल। अब सिकल क्या होता है, हम आपकी बुक में यही देखेंगे सिकल कैसा दिखता है। आपकी बुक में ही उसका पिक्चर दिया हुआ है। जनरली आपने जो देखा कि ये प्लग है, जिसको हम हिंदी में बखर या हल भी बोलते हैं। और हम चलते हैं आगे। तो हमने कहां गया, सिकल देखना था हमें, और सिकल यही था उसका फोटो। सॉरी थोड़ा मुझे देर लग रही है। ये रहा सिकल, ऐसा होता है, ये कर्व शेप का, सेमी सर्कल का, इसमें थोड़ी सी ब्लेड होती है, मतलब धार होती है, जिससे काटने में किसी भी चीज को आसानी होती है। हमने क्या और देख लिया? प्लग भी देख लिया, जैसे ये है प्लग। अब हम चलते हैं किस चीज पे, शॉवल। शॉवल क्या होता है? अब शॉवल को हिंदी में हम फावड़ा बोलते हैं। किस तरह का दिखता है वो फावड़ा? आपका ऐसा और ऐसा दिखता है। ऊपर से उसका लकड़ी का डंडा लगा रहता है, और यहां से सामान उठाने के लिए ज्यादातर लेबर और मजदूर इसको यूज किया करते हैं। तो बच्चों समझ में आया क्या क्या था ये? हमने सारी टूल्स
हमने बना के और कुछ फोटोज में देख लिए। अब हम चलते हैं। यू हैव लर्न दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड एंड प्लांट मेक देयर फूड themselves and can you recall how green plants synthesize their own food and animal including human cannot make their own food so where do animal get their food from हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए रहता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत है, लेकिन इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्लांट है वो अपना फूड खुद बनाता है, अपना प्लांट खाना खुद बना लेता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना नहीं बनाते, तो वो किसके, दूसरे एनिमल्स से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं। और हमें ये फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें फूड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट द वेरियस प्रोसेसेस लाइक अ फंक्शन एस डाइजेशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन वी गेट अ फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल बोथ। इसका मतलब ये है कि हमें जो फूड मिलता है हम उसमें से क्या निकालते हैं, खाने के बाद उसको पचाते हैं, एनर्जी निकालते हैं। उस एनर्जी को हम किस में यूज करते हैं स्टूडेंट? चलने में, बातें करने में, सोचने में, और हम खेलने में इस्तेमाल करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसमें एनर्जी लगती है और वो एनर्जी हमारे पास फूड में से आती है, तो हमें इनडायरेक्टली एनर्जी के लिए फूड का जरूरी होना है। और फूड का जरूरी आपके लिए इसलिए है क्योंकि वो एनर्जी देता है। और फूड कहाँ से आता है? क्रॉप के प्रोडक्शन से, उसकी फार्मिंग से और उसकी उगाने से और उसके डिफरेंट तरीके की प्रोसेसेस करने के बाद हमें फूड मिलता है। उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। In order to provide a food for a large population, a regular production and proper management and distribution is necessary. हमारी कंट्री इतनी बड़ी है और उसमें पॉपुलेशन भी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो हमें सबको क्या देना, रेगुलर फूड सप्लाई के लिए, मतलब सबके घरों तक खाना पहुंचाने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में हमें क्या चाहिए, हमें लगातार हमारे क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है और उनको बहुत अच्छे से संभाल के भी रखना पड़ता है कि ताकि वो खराब ना हो जाएं, और फिर उनको तरीके से बांटना पड़ता है। जैसे कोई लोग डायरेक्टली फ्लोर के फॉर्म में, आटे के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं गेहूं को, कोई लोग बाजार में से जाकर ब्रेड खरीदते हैं जो पका पकाया और बना बनाया उनको मिलता है, कोई पाउडर के फॉर्म में, मतलब अलग अलग फॉर्म में मार्केट में से और फार्म के थ्रू या दूसरी मीडियम के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को इस्तेमाल करते हैं। कोई खरीदता है, कोई घर में उगाता है, जो बच जाता है उसको बेच देता है और बाकी को अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो ये पूरी चेन है जिसके थ्रू फूड को क्या किया जाता है, रेगुलर प्रोडक्शन किया जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है बच्चों, ये कितनी पुरानी है, 10,000 साल पुरानी, मतलब 10,000 ईयर ओल्ड है। बिफोर BCE का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट से 10,000 साल पहले से लोग क्या कर रहे थे, पीपल वेयर नोमैडिक, नोमैडिक पीपल उनको बोलते हैं। नोमैडिक की डेफिनेशन आप देख लें, नोमैडिक का मतलब क्या होता है। नोमैडिक जनरली हम हिंदी में किसके लिए यूज करते हैं, बंजारास, अ पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर रिसोर्सेस। ये वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि उनको बेटर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब अच्छा पानी मिले, उस जगह अच्छा खाना मिले, उनको नहीं उनके जानवरों को अच्छा खाना मिले, जबी तो उनके जानवर दूध देंगे। और अगर भेड़ हैं, शीप हैं, तो वो अच्छा वूल प्रोड्यूस करेंगे जिससे वो कम्बल, ब्लैंकेट और डिफरेंट तरह की चीजें, स्वेटर बना के बेचें और वो अपना मनी क्रिएट कर सकें। वेंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर, दे एट अ रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर अ फूड। क्या करते थे पहले के लोग, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे ताकि उनको अच्छे फ्रूट वेजिटेबल मिले, और फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आई क्या, कल्टीवेशन मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन, वीट या एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, मतलब चीजों को बोना, उनको काटना, उनका प्रोडक्शन करना, उनके सीजन को समझना कि कब कौन सी
क्रॉप को बोए हम कि एक वीट का अलग सीजन होता है, एप्पल को अलग टाइम पे बोते हैं, एप्पल को अलग तरीके से उगाते हैं, ऑरेंजेस को अलग तरीके से, और वीट को अलग, राइस को अलग, ये सब किस में आता है, हम एग्रीकल्चर में आता है। तो एक डेफिनेशन है, व्हेन अ प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है, जब एक ही तरह का प्लांट बहुत सारे नंबर पे एक ही जगह में उगाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। मतलब अगर बात करें कि वीट क्रॉप कब होगा, जब वीट के बहुत सारे पेड़, मतलब थाउजेंड से भी ज्यादा पेड़ एक ही एरिया में ग्रो कर रहे होंगे, तो तब हम क्या बोलेंगे, वो क्रॉप है। यू ऑलरेडी नो दैट अ क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो अब इसमें क्या होता है, अब ये समझ लें कि सीरियल्स क्या होता है बच्चों। एक्चुअल में सीरियल्स हम किन को बोलते हैं, अनाज। सीरियल्स के लिए क्या वर्ड हिंदी में हम यूज करते हैं, अनाज, जैसे कि वीट है, राइस है, ज्वार है और बाजरा है, इन सब के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं बच्चों, सीरियल्स। और बाकी चीजें सब्जियों के लिए, जैसे वेजिटेबल्स हैं, सारी सब्जियों को हम एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं, सब्जियों के लिए हम टर्म यूज वेजिटेबल्स करते हैं, और सारे फ्रूट्स के लिए हम फ्रूट्स टर्म यूज करते हैं। द बेसिस ऑफ द सीजन्स इन विच दे ग्रो। अब सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट, अलग अलग तरह के फ्रूट अलग अलग सीजन्स में उगते हैं, और अलग अलग वेजिटेबल अलग अलग सीजन्स में, मतलब कुछ सर्दी में उगती हैं, कुछ गर्मी में उगती हैं, कुछ बारिश के अंदर और कुछ स्प्रिंग सीजन में। तो अलग अलग तरह के फ्रूट, सीरियल्स और वेजिटेबल्स कहां, अलग अलग सीजन्स में उगती हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, अ क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू अनदर। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, अगर आप देखो कश्मीर से लेके ऊपर हमारे इंडिया के मैप में, डाउन में नीचे कन्याकुमारी तक, हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब कि कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है, कश्मीर में बर्फ जमता है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहीं नीचे अपन साउथ में आ जाएं, केरला में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, वहां क्या मिल जाता है हमें, सी शोर सिटीज मिल जाती हैं, मतलब ये समंदर के किनारे हैं, तो यहाँ ना गर्मी ज्यादा पड़ती है ना सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें डिफरेंट तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट है, जिसकी वजह से हम आसानी से अलग अलग सीरियल्स को एक ही कंट्री के अंदर, अलग अलग वेजिटेबल्स को, अलग अलग फ्रूट्स को एक ही कंट्री के अंदर उगा सकते हैं। समझ में आया आपको हमारी कंट्री का क्या बेनिफिट है। अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री, जो मैंने आपको समझाया। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दो तरह हमने जो हमारे देश में क्रॉप पैदा होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला खरीफ, खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जिनको कब बोया जाता है, रेनी सीजन में, और इनको क्या कहा जाता है, खरीफ क्रॉप्स। और ये कब से कब तक बोए जाते हैं, जून से लेकर सेप्टेम्बर पे। और खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या है, पैडी है, मेज है, पैडी मतलब धान, मेज मतलब मकाई, भुट्टा, सोयाबीन आपको पता है जिसका ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं, और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, और कॉटन जो आप कॉटन पहनते हैं वो भी बोई जाती है। इसको किस सीजन में बोया जाता है, इन एग्जांपल्स को ध्यान रखना है आपको, रेनी सीजन के अंदर जून से लेकर सेप्टेम्बर पर, और ये किसके एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप के। फिर चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप के बारे में, अ क्रॉप दैट आर ग्रोन इन अ विंटर सीजन, मतलब वो क्रॉप जो विंटर सीजन के अंदर उगाए जाते हैं, कब से कब तक, अक्टूबर से मार्च तक, और इनको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। आपने देखा होगा रबी क्रॉप जनरली कौन से होते हैं, वीट होता है,
ग्राम होता है पी, मस्टर्ड और लिनसीड। लिनसीड ऑयल के लिए इस्तेमाल करती है, इससे डिफरेंट तरीके का ऑयल बनते हैं। मस्टर्ड भी ऑयल के लिए होता है, मस्टर्ड मतलब सरसों, पी मतलब मटर और ग्राम मतलब चना और वीट मतलब गेहूं। ये भी क्या है, ये रबी क्रॉप है जिनको विंटर के अंदर मतलब सर्दियों के अंदर हम हमारे फार्मर्स बोते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ बिसाइड दीस पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग अ समर एट मेनी प्लेसेस, और गर्मियों के अंदर भी, समर सीजन के अंदर भी पल्सेस और वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं अलग अलग एरियाज में इंडिया में। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अगर ये भाई साहब जो हैं, इनका सवाल क्या है, व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन टू अ विंटर सीजन, आखिर क्या वजह है कि पैडी जो है उसको हम विंटर सीजन में नहीं उगा सकते। ये हैरान है, इनको पता नहीं है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको जवाब देना है। तो इनका जवाब क्या है, बिकॉज डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर अ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन टू ग्रो, सच एज पैडी रिक्वायर मच अमाउंट ऑफ वाटर, मॉडरेट सनलाइट अलॉन्ग विद अ ह्यूमिडिटी, सो इट कैन ग्रो इन विंटर सीजन। मतलब अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पैडी या राइस को ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की या ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ उमस, उमस उमस का हम किसको बोलते हैं, उमस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना, आज पानी बरसा है तो बहुत उमस हो रही है, तो हमारे राइस को ग्रो करने के लिए उमस भी होना जरूरी है, क्योंकि हीट के सीजन में जब ह्यूमिडिटी होती है तो आसानी से ये रेनी सीजन के अंदर हमारा राइस ग्रो होता है। इसी वजह से हम विंटर में मतलब सर्दियों में राइस को नहीं उगा पाते, क्योंकि जब ज्यादा बारिश भी नहीं होती और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा नहीं होती। अब देखो ये दीदी जो है आपके सामने, इन्होंने क्या जवाब दिया, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, लेकिन इन्होंने बहुत शॉर्ट जवाब दिया है जो हमने देख चुके हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू मे फाइंड दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय द गार्डनर और इवन बाय व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस, दीज एक्टिविटीज और अ टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो काम फार्मर्स करते हैं, जो आप अपने गार्डनर को भी देख सकते हैं, या आपकी मम्मी ने कोई घर में गमले लगाए हों या गार्डन में जो पॉट में थोड़े बहुत प्लांट लगाए हैं उनको देखोगे, उनकी मम्मी कुछ उनकी केयर करती हैं, अलग अलग तरह की उसमें चीजें मिलाती हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें डालती हैं और उनकी केयर करती हैं, उन सारी प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो पहला क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। मतलब जैसे आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या देखोगे, सिलेबस देखोगे, आपको कोई एग्जाम आ रहा है तो आप देखोगे उसमें कितने चैप्टर हैं। वैसे ही हम किसी भी क्रॉप को या हम किसी भी फसल को कहां लगाते हैं, जमीन के ऊपर। जमीन में किस में लगाते हैं हम, फील्ड में, सॉइल के अंदर। तो सबसे पहले हमें सॉइल को क्या बनाना पड़ता है, हमें सॉइल को इस काबिल बनाना पड़ता है या उसके अंदर इतने चेंजेस करना पड़ते हैं ताकि आसानी से उसके अंदर कोई भी क्रॉप उग जाए, और हम जो क्रॉप उसमें उगा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पैदा हो, प्रोड्यूस हो, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो और हमारी इनकम हो और हमारा फायदा हो। दूसरा प्रोसेस होता है, प्रैक्टिस होती है बच्चों, सोइंग। सोइंग जो होती है मतलब बीजों को बोना, गेहूं का बीज बोना, पैडी का बीज बोना, मतलब धान बोना या चना बोना, इसको क्या बोलते हैं, सोइंग मतलब होता है जमीन में खेती के अंदर बीजों को बोना। थर्ड प्रैक्टिस होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब खाद या किस खाद को मिलाना, मैन्योर मतलब गोबर की खाद को मिलाना घर की बनी हुई ऑर्गेनिक, और फर्टिलाइजर मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया होता है या पोटैश होता है जो आर्टिफिशियल ये बने हुए मार्केट में मिलते हैं, उनको मिलाना ताकि हमारा
हमारी फील्ड जो है हमारा क्रॉप ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो। फिर आता है फोर्थ इरिग्रेशन। अब आपने अगर पेड़ लगा दिया तो फिर आपका काम किस चीज का बनता है, इरिग्रेशन मतलब पानी देने का, कि आप उस पेड़ को सीड को पानी दें ताकि वो जल्दी से ग्रो करे और सही अमाउंट में सही टाइम पे सही जगह पानी दे। इसको हम क्या बोलते हैं, इरिग्रेशन। इरिग्रेशन मतलब ये नहीं है एक बाल्टी अपन ने भरी और पूरी पेड़ के ऊपर डाल दी, ऐसे में पेड़ खराब हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो गार्डनर हैं वो स्प्रिंकल करते हैं या थोड़ा सुबह या शाम के वक्त पानी देते हैं किसी भी पेड़ों को, पेड़ जो उनके गार्डन में लगे हैं या आपके आसपास के गार्डन में घर के आसपास आपने देखा होगा। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड। आपने देखा होगा कि बेकार के पेड़ जो खेत के अंदर उगी आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम उनको खरपतवार बोलते हैं, और क्या वीड्स इंग्लिश में, उनको बेफालतू के पेड़ को हम उखाड़ के फार्मर्स फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा, आप अगर देखो तो आपने जितनी भी केयर करी, आपने जितने भी न्यूट्रिएंट दिए हैं, आपने सॉइल को जितना भी अच्छा बनाया, वो किस लिए बनाया, ताकि आपका क्रॉप उसमें ग्रो करे। लेकिन जो वीड है उसका फायदा उठा के वो खुद भी ग्रो हो रहा है। तो आपने जो जो केमिकल्स, आपने जो जो मैन्योर आपके क्रॉप को दिए, फॉर एग्जाम्पल वीड को दिए, वो आपके क्रॉप के बदले में कौन खा रहा है, वीड। तो हम क्या करते हैं, हम वीड को रिमूव करते हैं ताकि हमारी एनर्जी और अमाउंट ऑफ मटेरियल जो हमने दिया है वो वेस्ट ना हो। फिर उसके बाद जब हमारी फसल पूरी पक जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है और वो तैयार हो जाती है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट। तो सिक्स्थ आता है हार्वेस्टिंग, और फिर हार्वेस्ट करने के बाद उसको सही से स्टोरेज करना ताकि अगले सीजन में हम फिर उस क्रॉप को ऐसे सीड भी इस्तेमाल करें और स्टोरेज करके सीजन आने पर बेहतर और अच्छे दामों में उसको मार्केट में ले जाके बेचें ताकि हमें अच्छा और ज्यादा मुनाफा हो। फिर चलते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल पे, पहले टॉपिक पे जिससे हम स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला टास्क क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि हमें सॉइल को इस काबिल बनाना है ताकि उसमें कोई क्रॉप पैदा हो सके। और क्या करते हैं हम सॉइल को, सॉइल को हम ब्रेक करते हैं, हम उसको पलटते हैं, ऊपर की सॉइल को नीचे पहुंचाते हैं पलटकर और नीचे वाली को ऊपर लाते हैं ताकि वो कैसी हो जाए, लूजन मतलब नरम हो जाए, ताकि क्या हो, जो प्लांट दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल एंड द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉइल। क्या होता है, जब हम मिट्टी को नरम कर देते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं, तो हमारे प्लांट की जो रूट है वो आसानी से मिट्टी के अंदर घुस के ट्रेवल करके वहां पहुंच सकती है जहां पे पानी उसको अवेलेबल है, जहां उसको न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, जहां उसको ज्यादा रिसोर्सेस मिल सकती हैं। मतलब आप एक बात बताओ, आपको उस दीवार को तोड़ने में ज्यादा आसानी होगी जो मिट्टी की बनी है या वो दीवार जो कंक्रीट की बनी है। ऑब्वियसली आप कहोगे कि मिट्टी की दीवार आसानी से मैं कहीं से भी उसमें से हाथ या मुक्के या हथौड़ा मार के उसको तोड़ दूंगा, लेकिन कंक्रीट की दीवार में टाइम लगेगा तोड़ने में और ज्यादा ताकत लगेगी। इसीलिए हम पहले से ही प्लांट के लिए काम कर देते हैं कि सॉइल को लूज कर देते हैं ताकि उसकी रूट जो है अंदर चली जाए और उनको प्रॉपर ऑक्सीजन में मिले। एक बात बच्चों यहां ध्यान में रखना, मैंने हाईलाइट भी की है कि जरूरी ही नहीं है कि रूट्स को सिर्फ क्या चाहिए, पानी। पानी के साथ साथ रूट्स को क्या और चाहिए रहता है, ऑक्सीजन। जब भी आपने देखा होगा कि अगर आप ज्यादा किसी भी पॉट में आपके गार्डन में पानी भर दो तो आपकी मम्मी या गार्डनर क्या बोलता है, ज्यादा पानी मत भरो वरना पेड़ सड़ जाएगा। सड़ जाएगा मतलब वो धीरे धीरे अंदर से गलने लगेगा ज्यादा पानी की वजह से, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिसकी वजह से प्लांट अपने आप मर के खत्म हो जाएगा। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। अब क्या है, जो लूज सॉइल होती है वो किसके लिए फायदेमंद होती है, अर्थवॉर्म के लिए, केचुओं के लिए और माइक्रोब्स के लिए, क्योंकि वो आसानी से उसमें
अंदर जाके रह सकते हैं, अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं और उसमें अपनी जनसंख्या और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। अब अर्थवर्म और माइक्रोब्स के बढ़ने से क्या होगा हमें फायदा? हमें सबसे पहला फायदा बच्चों ये होगा कि अर्थवर्म क्या करता है, जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, जो छोटे छोटे मरे हुए लीव्स के टुकड़े होते हैं या मरे हुए एनिमल्स के छोटे छोटे टुकड़ों को अर्थवर्म खाता है और क्या बना देता है, और ह्यूमस बना देता है। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर होते हैं वो नाइट्रेट्स बनाते हैं, वो फॉस्फेट्स और सल्फेट्स बनाते हैं, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कुल मिला के ये समझ लें कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो सॉइल का न्यूट्रिएंट बढ़ा देते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं अर्थवर्म को, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स सिंस दे टर्न एंड लूजन द सॉइल टू इट। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ह्यूमस क्या होता है। अ ब्लैक ब्राउन कलर अमॉर्फस सब्सटेंस फाउंड ओवर द सॉइल फॉर्म्ड बाय द डेड लीव्स ब्रांचेस एंड एनिमल। ब्लैक और ब्राउन कलर का ऐसा अमॉर्फस मतलब भुरभुरा, जैसे आप सैंड होती है ना, आप हाथ में लो तो फिसल फिसल के गिरती है, ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होता है और किसका बना हुआ होता है, मरी हुई पत्तियों का, डेड लीव्स का या टूटी हुई ब्रांचेस का या कुछ मरे हुए एनिमल्स का, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ह्यूमस बोलते हैं। और ये ह्यूमस कौन बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म तो देखा होगा आपने, जनरली बारिश के अंदर बहुत से निकलते हैं, और आप सॉइल को कभी गार्डन में खेल रहे हो, डिग करो तो रेनी सीजन के अंदर, तो आपको अर्थवर्म जनरली देखने को मिल जाएंगे। You have learned in the previous class that a soil contains mineral, water, air and some living organism. आपको पता था, आपने पढ़ा था कि soil के अंदर क्या होते हैं, mineral होते हैं, water होता है, air होती है और कुछ living organism. In addition, that plant and animal get decomposed by the soil organism. In this way, the various nutrients in the dead organism are released back into a soil. क्या बताया हमने पीछे पढ़ा ना कि dead organism को और plant के parts को, dead leaves को कौन खाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म, और उसको खा के क्या बना देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, जैसे आप बोलते हो ना मैं कॉम्प्लेन पीता हूं या पीडियाश्योर पीता हूं, वैसे ही एक ये क्या है, ये न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जो आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। वैसे ही ह्यूमस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, तो डेड और डीकेइंग पार्टिकल्स को ये लोग वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूट्रिएंट फॉर्म में। ये ऐसा काम कौन करता है, अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, जो थोड़ी सी फ्यू सेंटीमीटर मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर की जो सॉइल होती है वही उसके ऊपर ही क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उसी के ऊपर ह्यूमस होती है और वही क्या करती है, प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है। और यही सॉइल क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है जो टॉप में प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसको क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं और उसको टर्न करते हैं, मतलब नीचे की मट्टी को ऊपर लाना, ऊपर की मट्टी को नीचे लाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग या टिलिंग। दिस इज डन बाय द यूजिंग अ प्लग एंड प्लग आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन एंड इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड अ वॉटरिंग बिफोर प्लगिंग एंड इट द प्लग फील्ड मे हैव बिग क्लम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स एंड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम एंड लेवलिंग द फील्ड इज द बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज द इरीग्रेशन। लेवलिंग ऑफ अ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, समटाइम मैन्योर इज एडेड to the soil before the tilling. This help in proper mixing of manure with soil. The soil is motion before sowing.
तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जब क्या होती है, सॉइल ज्यादा हार्ड होती है फील्ड में, फार्मर की फील्ड में जब सॉइल ज्यादा हार्ड होती है तो कई बार हम उसको नरम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं और फिर हम प्लग को चलाते हैं। प्लग मतलब हल को चलाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जब हम और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको और फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम दूसरी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं लेवलिंग। लेवलिंग में क्या करते हैं, हम प्लग के पीछे या बैल के पीछे हम ऑक्स जो होता है उसके पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा बांध देते हैं या कोई बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रस्सी के थ्रू, और वो जो बैल होते हैं वो खेत में चलते हैं। तो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपकी मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स हैं वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और पाउडर के फॉर्म में बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें किस में आसानी होती है। अब पाउडर में पानी आप आसानी से मिला सकते हो या बड़े बड़े पीसेस में, पाउडर में, क्योंकि आप थोड़ा सा पानी दोगे तो इधर उधर सब जगह पहुंच जाएगा, लेकिन पीस में पता चल रहा है एक पीस के अंदर गया दूसरे में नहीं गया। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बड़े बड़े क्रम्स को लेवलिंग के थ्रू हम उनको तोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम प्लगिंग कर रहे होते हैं या लेवलिंग, तो तभी हम क्या मिला देते हैं, मैन्योर। मैन्योर समझते हैं आप, घर में बनी हुई खाद, गोबर की खाद को हम मैन्योर बोलते हैं। गोबर या जनरली मरे हुए पत्तियों की, पेड़ों की, डगालों की, सब्जियों की और घर के वेस्ट के, ऑर्गेनिक वेस्ट की जो खाद बनी होती है उसको हम मैन्योर बोलते हैं, या गोबर की खाद भी बोलते हैं गांव में। और हम जनरली इसको पहले से मिला देते हैं, कब, जब हम लेवलिंग करते होते हैं। किस लिए मिला देते हैं बच्चों, ताकि जब हम लेवलिंग कर रहे हों तो खाद जो है वो आसानी से हमारी फील्ड के अंदर मिल जाए। समझ में आया। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट की। जो आपके सामने ये दिख रहा है इसको प्लग बोलते हैं, और इसकी जो लंबी सी रॉड है बच्चों, जो लंबी सी रॉड इसकी है उसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ये जो लंबी सी रॉड दिख रही है आपको, ये शाफ्ट है ये। अब देखें, इस शाफ्ट के ऊपर हम ऐसा बीम रख देते हैं जिसमें एक इस तरफ बेल होता है और दूसरा इस तरफ, और जो ये एंड है, ये गोल वाला जो शार्प है, इसको हम प्लग शेयर बोलते हैं, और ये पीछे हैंडल होता है जिसके थ्रू फार्मर पकड़ता है और थोड़ी सी ताकत लगाता है ताकि उसका प्लग कहां चला जाए, अंदर चला जाए और आसानी से मिट्टी नीचे की ऊपर आ जाए और एक्सचेंज हो जाए और लूज हो जाए। तो अब बात आई समझ में आपको कि ये कैसे होता है सब, कि इसको बोलते हैं प्लग, ये बीम होता है, ये प्लग शाफ्ट होता है और शेयर होता है। इसको हम हिंदी में हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल। प्लग दिस, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर द टिलिंग ऑफ द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड टर्निंग द सॉइल। यह पुराने जमाने से इस्तेमाल हो रहा है ताकि क्या करें, मिट्टी को जमीन के नीचे से निकाल के ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर पहुंचाई जा सके। और दूसरा इस्तेमाल क्या हो सकता है इसका, फर्टिलाइजर को जमीन में मिलाने के लिए। और तीसरा इस्तेमाल, जो फसल के अंदर वीड्स लगे हैं, मतलब कि जो खरपतवार और अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उनको निकालने में और सॉइल को टर्न करने में। दिस इज मेड अप ऑफ वुड, जनरली किसका बना होता था, लकड़ी का, एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल, और जनरली इसको कौन चलाता है, दो बैल चलाते हैं। और कई बार अलग अलग जगह पे, अगर जिसके पास बैल अवेलेबल नहीं होते जिस रीजन में फार्मर के पास, तो वो हॉर्सेस या कैमल को यूज करते हैं। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, आयरन की एक स्ट्रिप बनी होती है जो हमने शार्प बताई थी, प्लग शेयर उसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद अ मेन पार्ट ऑफ प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। एक लॉन्ग जो होती है वुड का शाफ्ट होती है जिसको हम प्लग शाफ्ट बोलते हैं, और प्लग शाफ्ट के एंड के ऊपर, प्लग शेयर के ऊपर हैंडल होता है जहां से कोई भी फार्मर उसको होल्ड करता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहां तक देख चुके हैं प्लग तक। अब आप हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।